फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और मैं आज आपको जो HPSC PGT कंप्यूटर साइंस, इससे पहले भी मैंने कहा था कि एक कोशिश आप लोगों को करनी चाहिए अपने लिए, जब यहाँ तक आ गए हो तो थोड़ी सी कोशिश और करो। लेकिन सभी बच्चे एक दूसरे को कि सब वेट कर रहे हैं कि बैठे बैठे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और अब कई बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि मैडम जो है कुछ करो। तो मैंने पहले भी आपको वीडियो अपडेट करके बताया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल करो। तो उसके लिए भाई आप सभी का धन्यवाद कि भाई जो मेल्स हैं वो आपके NCET के ऑफिस में गई हैं। लेकिन उससे जो है एक अच्छा है कि उनको ये लग रहा होगा कि भाई इतने सारे बच्चे अगर मेल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों की ज़िंदगी का जो है यहाँ पे सवाल है। और उसके साथ ही अगर आप वहाँ पर जा रहे हो, क्योंकि आज जो है बहुत सारे बच्चे सुबह 11 बजे NCET के ऑफिस जा रहे हैं, जो है दिल्ली जो है द्वारका 10, ठीक है भाई, से द्वारका में जा रहे हैं सेक्टर 10। आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो जाने के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा उसमें बच्चे जाएंगे उतना ज्यादा जो है आप लोगों को बेनिफिट होगा। ये सिर्फ उन लोगों का नहीं है जो जा रहे हैं, ये आप लोगों का भी है। अगर यहाँ पे मौका मिलता है तो आप लोग भी एग्जाम दे पाओगे, ठीक है भाई। तो NCET के ऑफिस जा रहे हैं द्वारका सेक्टर 10 में सुबह 11 बजे। और ये वीडियो मैं अभी सुबह सुबह ही शूट कर रही हूँ ताकि आप सुबह ही आपको ये वीडियो मिल जाए और जो बच्चा जा सकता है वो जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसमें आप जाओगे तो वहाँ पे भी उनको भी इम्पेक्ट पड़ेगा कि सही में बच्चे बहुत परेशान हैं, उनको एक मौका चाहिए जो इतने लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं। अब कई ये कह देते हैं कि ये तो 2019 से जुड़ी हुई है ही नहीं, क्योंकि तो फ्रेश रिक्रूटमेंट है, भले ही फ्रेश है लेकिन जो बच्चा 2019 या 2015 के बाद जब पहली बार एग्ज़ाम हुआ था उस वहाँ पर जब बच्चे जो इंटरव्यू में रह गए थे और उसके बाद जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। आप खुद देखो 7-8 साल हो गए हैं, और जो 2019 से जुड़े हुए हैं, जो 2020 से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद थी कहीं ना कहीं वो अब टूटती जा रही है, ठीक है। तो भाई सभी से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने लिए कुछ कर सकते हो तो आखिरी कोशिश जरूर करो, क्योंकि बहुत जो है ये आप भी समझ सकते हो कि कितना बड़ा है और किस किस ने इस जॉब के लिए क्या क्या छोड़ा है ना। कोई अपने बच्चे छोड़ के बैठा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई जॉब छोड़ के बैठा हुआ है। तो अब जो है लास्ट टाइम पे आके आप नहीं कर सकते, और सिर्फ जो है सरकार के भरोसे आप नहीं रह सकते। पहले भी मैंने कहा था सरकार HPSC का क्या है, उसने अलग अलग नोटिफिकेशन निकाली है। PGT कंप्यूटर साइंस अगर रुकती है या सिर्फ BED वालों को अलाउ करते हैं उनको नहीं फ़र्क पड़ता है। और जहाँ DSC ऑफिस ने जो उनको एक लेटर भेजा है कि भाई NCET वालों को की परमिशन दे दी जाए, लेकिन अगर क्योंकि उनको नहीं पता ना सारा मामला, नहीं पता है ना, वो रूल्स देख के अगर करते हैं तो रूल्स आप सभी को पता है 2020 से, अगर रूल देख के चीज़ें होंगी तो फिर आपके पक्ष में नहीं जा सकती हैं। आपको ये बहुत भली बात है, आप सब जानते हो, ठीक है। एक तो BED का जो है, BED तो है ही, प्लस BTech वालों का भी है कि BTech वाले ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको खुद स्टैंड बाई लेना पड़ेगा। बाकी तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन सरकार को तो बस एक छोटा सा वो लगेगा अपना फैसला सुनाने के लिए, लेकिन आपकी तो ज़िंदगी पलट जाएगी, है ना। तो इसलिए बेटर है कि भाई देखो जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन आप अपने बिहाफ पे तो कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करोगे तभी कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यही मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे जाओ NCET के ऑफिस में सुबह 11 बजे, सारे बच्चे इकट्ठे हो, एक दूसरे से बातचीत करो, अपनी अपनी बातें रखो और उन लोगों को बताओ, क्योंकि यहाँ घर बैठे आप अपने घर वालों को बताओगे, इधर आस पड़ोस वालों को बताओ, उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। आप सरकार के सामने अपनी बात रखो, शायद आपका जो मामला है, जो केस है, जो 16 तारीख है आपकी, है ना, आज हो चुकी है 5-6 तारीख हो चुकी है, 6 हो चुकी है आज, तो आप देखो 10 सिर्फ हैं, क्योंकि 16 तारीख को आपकी सुनवाई है, तो उससे पहले आप जितना कर सकते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है भाई। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ पा रहे हो, और समझ पा रहे हो तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ ताकि आप बाकी बच्चों से कनेक्ट करके वहाँ पे जा सको। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।